हम आपको बता रहे हैं एक दिल दहला देने वाली घटना। छिंदवाड़ा जिले के चौरई अंतर्गत आने वाला स्कूल झिलमिली डीपी मिश्रा स्कूल में तिलक लगाकर स्कूल आने वाले बच्चों को टॉर्चर करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज स्कूल प्रांगण के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कक्षा 9वीं के छात्र सूर्य वर्मा सहित एक अन्य छात्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह रोजाना तिलक लगाकर स्कूल आते हैं, जिसको लेकर स्कूल की शिक्षिका खान मैडम ने उन्हें तिलक लगाकर स्कूल न आने की बात कहते हुए धमकाया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उसके हाथ में गुदना से राम नाम लिखा है, जिसको मिटाने के लिए भी मैडम के द्वारा कहा गया। ऐसे में छात्रों ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसकी जानकारी लगते ही आज जोरदार तरीके से स्कूल प्रांगण के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं हाईवे को भी जाम कर दिया। हालांकि बाद में तहसीलदार और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब प्रदर्शन शांत हुआ। इस संबंध में शिक्षिका फरहत खान ने जब जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि जो छात्र है आरोप लगा रहे हैं वह उस बच्चे को जानती तक नहीं। मैडम का ये भी दावा है कि जो बच्चा आरोप लगा रहा है वो उनका नाम तक नहीं जानती, वो मेरी क्लास का बच्चा ही नहीं है। हाँ, मैं स्कूल ड्रेस और अनुशासन के लिए बोलती हूँ। सारे मामले को लेकर स्कूल की ही दूसरी शिक्षिका नायडू सफाई देते हुए अपने ही बयान में फंस गई। दरअसल उनका ये कहना था कि उन्होंने मना किया था कि बड़ा तिलक ना लगाए, जबकि दूसरी शिक्षिका कह रही है कि तिलक लगाने को लेकर कोई भी बात नहीं की गई। समझा जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा गलत है, जिसको लेकर उनके बयानों में विरोध नजर आ रहा है। छात्र सूर्य वर्मा ने अपने हाथ में गुदना से लिखा राम नाम मिटाने के चक्कर में अपने हाथ को भी खुरच लिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर ने उसे नाम मिटाने के लिए कहा था, जिसके लिए वह ब्लेड से नाम मिटा रहा था, जिसे देखकर परिजनों ने उसे डांटा। रहता है। मेरा नाम सूर्य वर्मा, मैं सियोरा माल पे रहता हूँ। मेरे को मैम ने मैम का नाम खान है। खान मैम ने बोली मेरे को टीका लगा के मत आना, और ये हाथ पे मैंने राम मिटाने के लिए बोली थी। मैंने थोड़ा सा रिजल्ट चलाया था तो मेरे पापा मम्मी आके बोल रहे थे मेरे को कि मत चला बोले, कुछ नहीं होता बोले। तो मैं रात को आया था, रात को मैंने यही बात बताया था। वो मैम मेरे को होने नहीं, सस्पेंड करना मैडम। नाइन सूर्य वर्मा, ये बात हम लोग को पहले पता लगा। इससे पहले हमारे स्कूल में ऐसी कोई घटना घटी नहीं, या किसी बच्चे ने मुझसे आके शिकायत किया, किसी टीचर ने ऐसा बोला। यदि वो बोल दिया होता तो अपन उसी समय उस मामले को हल कर लिए। इस बात पर कभी उस बच्चे को बोला नहीं, बच्चे को सामना खड़ा कर दीजिए मेरे सामने। हाँ, ना उसके पहले आने के लिए मना किया, ना उसके गुद्दे को देखा मैंने आज तक, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा भाई, बच्चे बोल रहे देख लगा के आते हैं, अच्छी बात है, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ना ही मैंने कभी बच्चे के साथ मारपीट करी, ना ही मैंने कभी इनको तिलक लगाने से मना करी हूँ। और जो बच्चा वीडियो में बोल रहा है उसको मैंने आज तक देखी भी नहीं है। पहली बार मैंने उसको अभी तक मेरी क्लास में नहीं देखी है, उसका एडमिशन मेरी क्लास में नहीं हुआ है। और उसको मेरा, उस बच्चे को मेरा पूरा नाम भी नहीं पता है। आप उस बच्चे को सिर्फ बुलाकर पूछ सकते हैं कि मैंने क्या बोली। मेरा नाम फरहत खान है। आप बच्चे को बुला लीजिए, कर सकती हूँ, आमने सामने कर सकते हैं। पर मैंने ना कभी बच्चों को डांटी हूँ इस चीज़ के लिए, नहीं। अच्छा, अनुशासन के लिए बोलते हैं लोग, ड्रेस के लिए, अनुशासन के लिए पूरी क्लास को बोलते हैं सर, पर्टिकुलर किसी को नहीं। जैसे किसी बच्चे ने कड़ा पहन लिया उसके लिए बोल देती हूँ। किसी ने चेन पहना है उसके लिए बोल देती हूँ, बड़े बाल है उसके लिए बोल देती हूँ। उसके लिए मैंने आज तक कभी नहीं बोली। सर, मैं कक्षा 9th एक ही क्लास टीचर हूँ, और सिर्फ 9th की 3 क्लासें हैं और एक 12th की। वो 9th का ही है लेकिन उसका एडमिशन अभी हुआ नहीं है। 11th में मेरी क्लास कोई क्लास नहीं है। NBC न्यूज़ के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।